हम गिर जाते हैं और निराश हो जाते हैं। सक्सेस का, यश का सबसे बड़ा शत्रु है निराशा। यदि निराश हो जाओगे तो सब कुछ खो बैठोगे। जब भी निराश हो जाना तो बस माँ जिराफ को याद कर लेना। जब माँ जिराफ अपने बच्चे को जन्म देती है तो माता जिराफ बड़ी ऊंची होती है और वो बच्चा ऊंचाई से जोर से जमीन पर गिर जाता है, और जैसे बेचारा समझने का प्रयत्न करता है कि मैं कहाँ गिर गया, तब तक वो माँ उस बच्चे के ऊपर खड़ी रहती है और उसको बहुत जोर से लात मारती है। उड़ते हुए बच्चा जाकर कहीं और गिर जाता है और बस अपनी सुध-बुध दोबारा इकट्ठा करने का प्रयत्न करता है, फिर माँ उसके ऊपर आकर खड़ी रहती है और दोबारा एक बड़ी जोर से लात मारती है। बच्चा समझ जाता है कि यदि मैं कुछ न करूं ना तो लात खाते रहना पड़ेगा। अपने बड़े ही कमजोर पैरों पर खड़े रहने का प्रयत्न करता है वो जिराफ का बच्चा। फिर दोबारा माँ आकर उसको लात मारती है, बच्चा फिर गिर जाता है और समझ जाता है कि यदि मैं खड़े रहकर भागू नहीं तो बस लात खाते रहना पड़ेगा। जिराफ का ये बच्चा तेजी से भागने का प्रयत्न करता है और तभी माँ आकर अपने बच्चे को चूमती है, आलिंगन करती है। माँ जिराफ भली भांति जानती है कि जंगल में बड़े खूंखार पशु है शेर, लोमड़ी इत्यादि, जो नवजात प्राणियों का मांस बड़ा पसंद करते हैं, और माँ जिराफ तो बच्चे के साथ, शिशु के साथ हमेशा नहीं रह सकती। तब अगर वो बाहर चली जाए तो उस बच्चे की रक्षा कौन करेगा? इसलिए सबसे पहले जैसे उसका जन्म होता है उसको लात मारती है ताकि वो उठना सीखे, दोबारा लात मारती है ताकि उसे वो उठने की जो क्रिया है वो याद रहे, दोबारा लात मारती है ताकि केवल उठे नहीं दौड़ना प्रारंभ करे। जीवन में कई बार चुनौतियां, चैलेंजेस आएंगे और हम गिरेंगे, हम फेल होंगे, लेकिन माँ जिरा और उसके बच्चे को याद कर लेना चाहिए। जब भी चुनौतियां आए, जब भी चैलेंजेस आए, जितनी बार भी आप गिरो उठना सीखो, उस बच्चे से उठना सीखो, उठ के खड़े रहना सीखो, खड़े रह के भागना सीखो। अगर उठोगे, खड़े रहोगे, भागना सीखोगे, तब यश, सक्सेस के ऊंचे से ऊंचे शिखर पर पहुंचना सीखोगे।